हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। होर किदा चंगे? चलो खुश रहो ते मस्त रहो। आज तक आपने बादाम मिल्क शेक तो जरूर पिए होंगे बाजार में, तो चलिए इस गर्मी हम घर पर बनाते हैं बादाम मिल्क शेक। क्योंकि कोरोना है तो इस वजह से बाहर भी नहीं जा सकते, तो घर पर ही बनाएंगे हम बादाम मिल्क शेक। ये लगभग अब 3 ग्लास दूध है और इसे मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया है थोड़ा उबलने के लिए। और जब भी कढ़ाई में दूध डालें कोई खोया बनाने के लिए या खीर बनाने के लिए, तो पहले तली में थोड़ा सा पानी डाल लेना चाहिए जिससे कि इसका तला नहीं लगता। दूध को अब हम उबालेंगे ताकि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए, क्योंकि पहले दूध पतला था। इसके साथ साथ हम अगली तैयारी करते हैं। हमने 20-25 बादाम रात से भिगो कर रख दिए थे, अब इन्हें हम छील लेंगे, क्योंकि भीगे हुए बादाम ही पीसे जा सकते हैं, क्योंकि इसकी हमें पेस्ट बनानी है। मिक्सी के जार में हम छीले हुए बादाम लेंगे और इसमें हम 1 टेबल स्पून चीनी डालेंगे। साथ में हम कुछ दूध या पानी भी डालेंगे क्योंकि तभी ये पिस पाएंगे, वैसे तो ये नहीं पिस पाएंगे। इन्हें एक स्मूथ सी पेस्ट में बना लेना है, क्योंकि क्रंची क्रंची मुंह में नहीं ये लगने चाहिए, इसलिए पेस्ट बारीक ही होनी चाहिए। फिर हम 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लेते हैं और इसे हम नॉर्मल पानी या दूध में धीरे धीरे घोल लेंगे। कस्टर्ड पाउडर हमें ज़्यादा नहीं लेना, नहीं तो कस्टर्ड का स्वाद आ जाएगा। ये सिर्फ दूध को थिक करने के लिए थोड़ा सा हमें लेना है और इसको अच्छी तरह पहले हमने घोल लेना है ताकि दूध में डालने से उसके लम्स ना बने। अब हमारा दूध भी थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है, तो हमें इसमें थोड़ी सी चीनी आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। वैसे लगभग इसमें 5 टेबल स्पून के करीब चीनी डलेगी और हम इसमें कस्टर्ड पेस्ट जो हमने बनाई है वो भी धीरे धीरे डाल के हिलाते रहेंगे। और जो हमने पेस्ट बादाम की बनाई है अब वो पेस्ट भी हम इसमें डाल देंगे और अब हम इसे धीरे धीरे पकाना शुरू करेंगे, जिससे कि ये हमारा दूध और थिक होने लग जाएगा और इसमें थोड़ा सा खोए जैसा टेस्ट आने लग जाएगा। पेस्ट बनाते समय हम उसमें केसर की कुछ रेशे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो। धीरे धीरे स्लो फ्लेम पे अब हम इस दूध को थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे जिससे ये पीने में खोए जैसा टेस्ट आने लग जाए। इसको ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं करना कि बिल्कुल ही खोया लगने लग जाए, इसीलिए इसको उस स्टेज तक लाना है कि जहाँ पीने में आपको शेक जैसा फील हो। अब ये हमारा उबाले आके स्मूथ शेक तैयार होने जैसा दूध वाली कंडीशन पे आ गया है, तो स्लो फ्लेम पे हम इसको 4-5 मिनट पकाते हैं। और जब आपको लग जाए कि अब आपके पीने लायक सही कंडीशन में ये दूध आ गया है, तब गैस स्लो कर देनी चाहिए। तो 2-1 मिनट पका के फिर फ्लेम ऑफ कर दें और इसको थोड़ी देर ठंडा होने दें। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसे चिल्ड करने के लिए एक सर्विंग बाउल में इस्तेमाल करें और उस बाउल को फ्रिज में लगभग 2 घंटे ठंडा होने के लिए रख दें। अब लगभग 2 घंटे बाद हमारा ये शेक ठंडा हो चुका है और अब हम इन्हें ग्लासों में सर्व कर देंगे। तो उसके साथ ही हम आइस क्यूब्स भी उसमें डालेंगे ताकि ये और ठंडा हो जाए, क्योंकि जितना ये चिल्ड होता है उतना ही टेस्टी होता है। अब हम इस पे गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट्स। ये आपकी पसंद पे है कि आप कौन से ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करेंगे, बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश, टूटी फ्रूटी, आप जो चाहें वो इसमें गार्निश कर सकते हैं। और इसी के साथ ही ये हमारा तैयार हो जाता है बादाम मिल्क शेक, बिल्कुल बाजार जैसा, वो भी घर पर इतने कम पैसों में सारी फैमिली के लिए तैयार हो गया, जो गर्मियों में पीकर बेहद सुकून देने वाला है और बहुत टेस्टी भी है और झटपट बन भी जाता है। अगर आप इसमें सब्जा सीड्स भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, हम तो ज़रूर करेंगे।
लीजिए, तैयार है बादाम मिल्क शेक घर पर ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।